क्या करिए अनबॉक्सिंग। टूथब्रश तेरो के खिलाड़ी। अब तो बड़ा हो गया पहले साइड में भी। कैसे करता शक्ति कपूर? अये यो मैं छोटा सा नाना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। हाँ आज तो बारिश हो गई भाई, ज़ोरदार मौसम हो रहा है, बारिश हो गई फर्स्ट क्लास। अब इसको भी बांध के रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश में बाहर जाएगा गीला हो जाएगा, फिर अंदर आएगा गंदगी करेगा। मैं तो खाना खा रहा है। आज तो ब्रूनो के बाल बनाएंगे भाई, इस पर बैठे सोफे पर आराम से बैठ लेट के। इसके लिए स्पेशल एक कंगन करेगा सीधा दे बिट्टी। सुसु मत कर देना तुझे पे बाल भाई, बहुत एक नंबर लगते हैं उसके। बेटर नहीं बेटर आराम से बैठ बैठिया। हाँ ये बैठिया, जब बाल बन जाते हैं ना इसके बहुत प्यारा लगता है, और जब बाल बिगड़ते हैं गली का कुत्ता लगता है। अभी बाल देखो ऐसे बिगड़ते हुए लग रहे। अब इसके बाल बनाने का एक तरीका बताऊँ क्या है, कंघे को सीधा करके नहीं चलाना चाहिए वरना चुभता है कंघा। कंघे को टेढ़े करके फिर चलाओ। अब जैसे मैं इसको सीधे चलाऊंगा फिर चुभेगा, और टेढ़े चलाएंगे तो देखो बाल सीधे हो जाएंगे बिल्कुल फ्री। अब गुस्से में आ गया भाई, अरे ब्रूनो गुच्छा कर लेगा कि तू गुच्छा कर लेगा। देख कैमरे में फोटो आ रही तेरी, देख सब देख रहे हैं तेरे को, सबको हाय बोल दे, सबको हाय बोल दे। हेलो गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। टेनिंग खाने को नहीं दे, खाने को नहीं, खाने को नहीं, तो खा जाऊंगा मैं, तो खा जाऊंगा मैं कुछ कुछ। हेलो गाइज टाटा सेव सुसु डू। अरे भाई तो वो इसको छोड़ दिया उधर जाके लेट गया मेरे ऐसे के नीचे, जस्ट ऐसे के नीचे जाके लेटता। पॉटी करने के लिए जगह ढूंढता है आजकल, मेन गेट पे जाके करेगा। देखो बंद कर दे गेट, बंद कर दे। हाँ सिट ले, अब सही कर दिया इसको, इसमें एक धागा निकला था उसको काट देता था। देखो गया धागा काट दिया बेटा, अब नहीं इसमें देखो पहनोगे इधर पहना दी देखो टोपी, अरे लड़की लग रहा। हाँ बेटा और निकाल दिया कि बेटा लगा जोर लगा लगा, गिर दूंगा नीचे गिर दूंगा। आई क्या अब ऊपर आ जा, ऊपर आने फट दी इसकी। गिर गया कहाँ लग गया पता, कहाँ लगी इधर लगी इधर लगी। देखो स्नैप बना रही बग्गे लेके, ये देखो ये चोरी छुपे। ये पता नहीं इस गाड़ी के क्यों चिपकता है, इसके स्टैंड खाता है गाड़ी के। देखो बैठा होगा तेरी कहीं पे, वो निकल गया
मतलब वो गया पीछे, सारी गाड़ी के पीछे घूमता है, उसका स्टैंड खाता है गाड़ी का। बाहर घूमने का मन हो रहा है तेरा आज? मौसम अच्छा है तो लेकर नहीं जाऊँगा तेरे को, अंदर ही आ जाऊँ। आज आपको एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करके बताएंगे और वो अनबॉक्सिंग मैंने फाइल करेगी। देखो क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, क्या करिए अनबॉक्सिंग? टूथब्रश टूथब्रश लेके आए थे अभी, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अरे ये कौन से कलर है? तोता तोता कलर है। तोता लाना चाहते थे ना, तोता कलर आए। ये सही है, इसके अंदर ये भी है ना पीछे जीभ साफ करने का। और ये कौन सा लेडीज कलर? लेडीज। ये तो ऐसे लग रहा है हार्पिक हो, सड़ा हुआ हार्पिक। शट अप ब्रो, आप हार्पिक लगाओ, मैं तोता लगाता चाहिए। बाल दोनों के सेम है लेकिन देख, बाल सेम है और गर्दन अलग है। चीयर्स, एक प्रजाति के ना इसलिए। तो ना साली को गिरी में जीत गया। कर ली अनबॉक्सिंग? बता बच्चे, मैं अनबॉक्सिंग कर लूँगी। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एम आई रोड पे, जो एप्पल का स्टोर है ना इमेजिन, वहाँ पे अभी मैं कॉल आया था उनसे भाई का एक, वो देखते हैं क्या बोलने के लिए बुला रहे, या तो फ़ोन आया होगा या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ होंगे, देखते हैं चल के एक बार। फ़ोन से मोटर ब्लॉगिंग करेंगे आज, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि वो गोप्रो तो लगा नहीं अपना, ये ऊपर कर दिया था मैंने खुद उसके चक्कर में, ब्रूनो के चक्कर में। चलो भाई अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी, बाकी अब देखते हैं। थोड़ा मेरे को लगता है कि लोग अब मुड़ मुड़ के देखेंगे फ़ोन लगा रखा, और इसमें चलान का भी डर है। मैंने तो 100 रुपये जेब में अलग से रख लिए, चलान कटेगा तो। बाकी जितनी कोशिश होगी बचा के निकालेंगे, लेकिन अगर कट गया तो 100 रुपये लग रख ही लिए मैंने, सलटा देंगे 100 रुपये में। आज मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी निकल रही है, अच्छा सा लग रहा है मस्त। सब देख रहे हैं भाई माइक के कैमरे को क्या लगा रखा। भाई अपने साथ हो गई पोपट, अपन गए थे अभी एप्पल स्टोर पे इमेजिन वाले पे, तो उनको कन्फ्यूज़न हो गई, उनको भी मेरे को चाहिए था 14 प्लस, उनके पास आया था 14, तो उन्होंने मेरे को कॉल करा भैया आ जाओ आपका फ़ोन आ गया, मैं नंबर दे के आया था उनको। अब साला यार वो भी कन्फ्यूज हो गए, 14 प्लस की जगह 14 दे रहे थे, बोले 14 ले जाओ भैया, ये ले जाओ वो ले जाओ, मेरे को 14 प्लस ही चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं यार, जब किस्मत में आना होगा तभी आएगा। अभी टाइम हो रहा है 3, तो अब थोड़ी देर चलते हैं जीशान के, थोड़ी देर बैठ के फिर घर निकलेंगे वापस। यार मूड ख़राब हो गया आज भी यार, कोई बात नहीं देखते हैं। टाइम बिल्कुल सही बता रही है घड़ी, 3:04 और अपनी घड़ी में हो गए 3:05, 1 मिनट का फ़र्क है खाली, और ये चल गए 1,065 किलोमीटर। अब ये पता क्या है, ये मैंने ए कर रखा है, मतलब ये ऑन है अभी, इसको ऑफ़ कर दूंगा तो गाड़ी बंद नहीं होगी, अगर ऑन पे है ना भी है तो जब मैं रेड लाइट पर रुकूंगा या कहीं भी गाड़ी रुकूंगा 5 सेकंड बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, फिर दोबारा सेफ लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी को। ये फ्यूल बचाने के लिए सिस्टम है, अच्छा है, लेकिन कई जगह परेशान भी होते हैं इससे, क्योंकि ट्रैफिक में रुके हुए हैं और गाड़ी रुक रुक के चलती है,
तो इसको ऑफ ही रखना पड़ता है वरना बंद होती है बार बार। मेरे को ना एक्चुअली कल एक चीज़ का डर लग रहा था, वो जब मैंने इसमें फ़ोन लगाया ना, हेलमेट पे जो फ़ोन लगाया मैंने, तब मेरे को ये लग रहा था कि गाड़ी जब चलेगी स्पीड में हाईवे पे तो विंड ब्लास्ट अगर तेज़ हुआ तो क्या पता फ़ोन गिर जाए इसमें से। तो उसके लिए अपन स्ट्रैप्स वगैरह लगाते, कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ करते इसका। लेकिन मैं आज बिना स्ट्रैप्स लगाए घर से निकल गया, मैं भूल गया एक्चुअली, मतलब मेरे को रास्ते में ध्यान आया कि यार फ़ोन गिर ना जाए बस। लेकिन अभी बिल्कुल सही चल रहा है फ़ोन, बिल्कुल भी हिला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही लगा हुआ है माउंट पे। लेकिन फिर भी अपन जब हाईवे पे निकलेंगे ना तो इसका कुछ स्टेप्स वगैरह से कुछ बांध के से कुछ जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हाईवे पे अगर ये गिर गया चलती गाड़ी में तो उड़ता हुआ जाएगा पीछे और किसी के लग लुगा गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसका कुछ जुगाड़ करके टाइट इसको बांध के जब हाईवे पे निकलेंगे अपन, क्योंकि अपन को रिस्क नहीं लेंगे हाईवे पे यार। अभी चलो ठीक है, गाड़ी धीरे चल रही है, 40-50 की स्पीड में चल रही है खाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पर तो तेज़ चलती है गाड़ी, थोड़ी 100 के आसपास चलती है। तो भाई जीशान की दुकान से तो मैं आ गया। अभी क्या मेरे दिन ख़राब चल रहे हैं, जो भी काम मैं करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा। आईफोन की देख रहा था मैं, आईफोन नहीं आया अभी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं हो कलर, आईफोन के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये पल्सर का था, पल्सर अभी तक आई नहीं, 1-2 दिन लगेंगे उसमें भी। तो अभी मेरे को क्या है, पल्सर के कांच ढूंढने, साइड मिरर जो होते हैं ना वो मेरे पड़े हुए हैं कहीं पर, वो ढूंढने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि साइड मिरर लगाने, उस साइड मिरर के उसमें जो बोर्ड लगते हैं ना वो उल्टी चूड़ी के लगते हैं, एक साइड तो सही लगता है और एक साइड उल्टी चूड़ी का लगता है। तो उल्टी चूड़ी का बोल्ट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, कंपनी में ऑर्डर देना पड़ता है। तो मैंने कंपनी में उस टाइम बोल दिया था, तो जब मैं गाड़ी लेने जाऊंगा ना तो मेरे को कांच साथ में लेके जाने पड़ेंगे, तो कांच वो फिट कर देंगे वहीं पे। अब मेरे को कांच ढूंढना पड़ेगा, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो अभी ढूंढता हूँ मैं कांच। जब कंपनी का फ़ोन आएगा तब साइड मेरे साथ में ले जाऊँगा मैं और उसमें फ़िट कर देंगे। तो ये काम तो करते हैं एक और, धीरे धीरे करके एक काम पूरा होएगा। समझ में नहीं आ रहा अभी क्या क्या हो रहा है यार। अभी तो सिड्डी लगानी पड़ेगी, जब कूलर भी लग रहा इसके अंदर पड़ा है मेरे को लग रहा, क्योंकि और कहीं तो मेरे को मिला ही नहीं वो वाइजर, मतलब वाइजर का मिरर साइड में उसको लग रहा कि इसके अंदर चलते क्रॉस कर दो। लाइट चालू कर देना, कौन सी बटन है मार दो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे अटालक इतना भरा हुआ है कि कुछ देखने का मन नहीं कर रहा। और मैं देखो किस पे बैठा हूँ, जगह नहीं अंदर जाने की, कट्टे भरे भरे पड़े हुए, कुछ मिल ही नहीं रहे, यहाँ पे जगह नहीं, बाहर नहीं है उतरने का भी वो है यहाँ पर इसके। क्या हो गया तेरे को आज, बार बार सुसु कर रहा, इधर सुसु कर दी, इधर सुसु कर दिया, उधर सुसु कर दिया। आज अम्मा बाहर बैठी है, तू बाहर नहीं जा सकता, इसका लगी थोड़ी कि यहीं पर सुसु करता रहेगा। टीवी देख ले चुपचाप, तारक मेहता चल रहा देख, टप्पू सेना देख ले, चलो। ये भी बेचारा सोच रहा है कि यार बाहर नहीं जा पा रहा मैं, मतलब रोज़ क्या होता है कि हम गेट खोल देते हैं इसके लिए, थोड़ा सा गेट खुला रखते हैं, इसको टॉयलेट वगैरह आती है बाहर जाके कर देता है गार्डन पर, फिर अपने आप आके पड़ जाता है कमरे में। लेकिन आज बाहर अम्मा बैठी है, अम्मा को पसंद नहीं है डॉगी वगैरह, तो हमने गेट बंद कर रखा बिल्कुल, क्योंकि अगर गेट ये भी खुला रहेगा, जाली का गेट भी दिखेगा ना इसको, तो बाहर भौंकेगा देख देख के। इसलिए आज अम्मा बैठी है तो अंदर बैठे चुपचाप शांति से, तो क्या जगह जगह मूत रहा ज़्यादा भौंक के बता।
ही आ गए देखो। रुनो फिर मत मुद्दी हो बेटा तू, अभी तो धोके लाए कपड़ा। हाँ सो जा ये। अरे 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 काओ को ये देखो आजकल मुत्ता भी वो है, क्वांटिटी में मुत्ता है। कुत्ता भयंकर गिला हो रहा है, दिख रहा है ना एक गिला, ये पूरा गिला दिख रहा। और ये इतना नकटा हो गया आजकल, खुद पोटी करता है और खुद ही सूंघता है, उसको खा भी जाता है कई कई बार तो। इसको चाटे पड़ते हैं ना, जब जाके सब सुधरता है। अब करेगा ऐसी नहीं तो चाटे की तरह, देख देख खुद की सूंघ सूंघ रहा। क्या हो रहा है, चल उधर बैठिया, वेरी गुड ब्रूनो। फिर देख रहे थे ऊपर आके कर रहे, इसको डांट दिए ना चक्कर में बैठे, शांति दे बस बैठे रहे, मैं सो रहा हूँ। देखो उसको नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता कर रहे थे वो, चाय पी रहे हैं भाई, उसको साथ साथ में कराना पड़ रहा है। ये देखो ब्रूनो, ये रहा, अब तो बड़ा हो गया, पहले साइड में भी है, पहले तो यहीं तक आता था खाली, अब देखो कहाँ तक आ गया। अब हमारी थाली तक आने लग गया। ले खा ले, तू खा ले सर, हम तो नहीं खाएंगे। नो किसे देख रहा साला, भूखे भूखे ब्रूनो। ये देखो तार खा रहा, हटा उसको वहां से। तू चाय में मुंह डाल देना बेटा, नहीं पिटपटा जाएगा। अभी गुस्सा कर दूंगा मैं, बैठ जा बोल। क्या 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 चुप हो जा। Keep quiet. फिर आ गया तेरी 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 ऐसी तैसी। वो तो देख रहा था ना मैं पल्सर के साइड में, वो दोनों ही नहीं मिले क्योंकि उसमें इतना अटाला भरा हुआ था बुखारी में, उसमें देखने का मन नहीं करा, तो वो नए लगवा लेंगे अपन यार, 500-700 रुपये के आएंगे शायद। अगर वो नहीं मिलेंगे कंपनी के तो कोई दूसरे कस्टमाइज वाले लगा लेंगे, बहुत सारी वेराइटी आती है इसमें, आ रही है इसमें तो मॉडिफिकेशन के लिए, कांच जरूरी है दूसरा लगा लेंगे कांच। तो अभी मैं बैठा हूँ गार्डन में, देखो ब्रूनो एट देखो कैसे खेल रहा, उछल कूद कर रहा। कमरे में बदबू कर दिए, झाड़ू करके रूम स्प्रे कर चढ़ा दिया इसने। रोज इतनी टॉयलेट नहीं करता है लेकिन आज तो पता नहीं भाई भयंकर टॉयलेट करा। आज इसको कमरे का फोबिया हो गया, मैं कमरे में क्यों हूँ इतनी देर तक। जैसे कमरे से बाहर निकाले पागल हो गए। अभी पता उधर बैठा था, उधर मोटरसाइकिल खड़ी ना स्टार स्पोर्ट, उसके पीछे क्या एक मटका पड़ा, उसके ऊपर गोबर के उपले बने वो लगे हुए हैं, क्या बोलते उसको, उपले ये गोबर, उपले बोलते गोबर के, वो लगे उनको उतार लिया, उसको खा रहा था बैठे बैठे बताओ। और फिर वहाँ से भगाया उसको, तो दोनों सोफे पड़े ना, उस सोफे के बीच में जाके बैठ गया, बाहर ही नहीं आ रहा। सोफे सरका के उसको बाहर उठा के लेके आया मैं, जब जाके आए नकटा। अरे रुनो अब देखो उसको पढ़ के बैठ जाएगा, हड्डी से इतना नहीं खेलता लेकिन ये कड़क चीज पसंद है इसको। रुनो देखो गेट पे ही करेगा, कर दिया एक, ये कर दिया एक, उधर मिट्टी हो रही है ना वो देखो पड़ी उधर, करा सुबह खा मत जाइए तू इसको, आ जा। कैसे करता शक्ति कपूर, छोटा सा नाना सा मुन्ना सा बच्चा। छोटा सा ब्लॉग था आज का, लेकिन निराशा भरा दिन था, फिर बात नहीं। इस निराशा भरे दिन में अगले आते हुए दिन में आशा की किरण जरूर आएगी। किरण वेटिंग फॉर यू किरण। चलो गुड नाइट गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय 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 बाय।